हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश झा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास BSNL का सिम है और उसे आपने जियो में पोर्ट करवाया है तो कितने दिन का आपको समय लग सकता है। दोस्तों, इसके लिए वीडियो में बने रहना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्लक्सोन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इस तरह के कोई भी अपडेट्स हम अपने चैनल पे लाएं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि अगर आपने BSNL के सिम को जियो में पोर्ट कराया है तो आपको कितने दिन का समय लग सकता है। तो दोस्तों, इसमें दो टर्म होते हैं, एक लोकल आईडी और दूसरा आउट स्टेशन आईडी। यानी कि जिस जगह पे आप अपने BSNL के सिम को जियो में पोर्ट करवा रहे हैं और आपकी जो आईडी है, यानी कि अगर आप आधार कार्ड पे करवा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड पे करवा रहे हैं, DL पे करवा रहे हैं या किसी भी अपने डॉक्यूमेंट पे करवा रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट्स पे वहीं का एड्रेस है जहां के दुकानदार से आप पोर्ट करवा रहे हैं, तो आपको दो दिन का समय लग सकता है। लेकिन ये देरी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो दो दिन का समय होता है ये 2 वर्किंग डेज होता है, यानी कि 2 काम करने वाले समय, इसमें हॉलीडेज या संडे नहीं जुड़ते हैं। तो इन बातों का खास ध्यान रखना है और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे टर्म की अगर बात करें तो वो दूसरा टर्म जो है वो है आउट स्टेशन। अगर आपकी आईडी आउट स्टेशन है, यानी कि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो और दूसरे स्टेट में अपने नंबर को पोर्ट करवा रहे हो BSNL से जियो में, तो आपको 4 दिन का समय लगता है। लेकिन ये भी ज्यादा हो सकता है अगर आप संडे और कोई हॉलीडे आपके 4 दिनों के बीच में आता है तो, क्योंकि ये जो 4 दिन होते हैं ये 4 वर्किंग डेज होते हैं। सेम कंडीशन है दोस्तों, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप एक लोकल कस्टमर हैं और 4 दिनों तक आपकी सिम एक्टिवेट नहीं हुई है, आपका पुराना BSNL का सिम बंद नहीं हुआ और आपके जियो सिम चालू नहीं हुए, तो घबराने की बात है। लेकिन घबरा के आप करेंगे क्या? आपको अपने नजदीकी रिटेलर के पास जाना है जहां से आपने पोर्ट करवाया है, वो स्टेटस देख सकते हैं अपने जियो पोज में जाके, फिर वो आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है या कब तक हो सकती है या होगी या नहीं होगी या रिजेक्ट हो गई। इन सारी चीजों की जानकारी जो है नियर बाय रिटेलर जिन्होंने आपका सिम पोर्ट किया है उनके पास होती है, वहां से जाके आप ले सकते हैं। और यही आउट स्टेशन की अगर है और 6 दिनों से ज्यादा हो गया, तब भी आपको जाके जरूर एक बार रिटेलर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हो सकता है आप सोचेंगे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन आपका उधर फॉर्म ही रिजेक्ट हो चुका है किसी और अन्य कारण से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।